मित्रों, टेलीग्राम माइनिंग में नॉट क्वाइन से बड़ी अर्निंग दो प्रोजेक्ट दे सकते हैं, जिसमें एक है हार्ट क्वाइन माइनिंग जो कि हियर वॉलेट में माइनिंग हो रही है, जिस जो कि नियर प्रोटोकॉल का प्रोजेक्ट है, और दूसरा है बेब वॉलेट जो सुई प्रोटोकॉल का प्रोजेक्ट है। तो आज हम इस वीडियो में हार्ट माइनिंग मतलब हियर वॉलेट में जो हार्ट क्वाइन की माइनिंग चल रही है उसके पिच स्टॉक एनएफटी के विषय में बताएंगे कि पिच स्टॉक एनएफटी आपको क्लेम कैसे करना है। तो इसके लिए हम आपको सीधा लेके चलते हैं नियर वॉलेट हॉट माइनिंग में। जो नहीं जुड़े हैं उनको टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगा, जुड़ करके अपने 12 फ्रेज जैसे आपके मेटामास्क में मिलते हैं, ट्रस्ट वॉलेट में मिलते हैं, उसको बहुत अच्छे से सेव करके किसी डायरी में नोट करके रख लीजिए, कोई स्क्रीन शॉट या फोटो नहीं लेना है। अब हम आ जाते हैं, यहाँ नीचे डी ऐप दिख रहा है, नीचे देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा है डी ऐप का। इस डी ऐप में आ जाते हैं तो आपको यहाँ देखिए ऊपर दिख रहा है पिच स्टॉक एनएफटी, और ये पिच स्टॉक एनएफटी आपको मिलेगा हॉट मिंट में। यहाँ पर देखिए एक सेक्शन दिखता है हॉट मिंट, हॉट मिंट ये यहाँ पर एक्सप्लोरर, आपको आप यहाँ पर आकर के एक्सप्लोर पर जाएंगे तो 10,000 एनएफटी जो है मात्र यहाँ पर सप्लाई में है, जिसमें हैप्पी स्कोर आपका कम से कम 36 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हैप्पी स्कोर आपको कहाँ पर मिलता है, इसके लिए हम आ जाएंगे मेन वॉलेट पर, और यहाँ पर ऊपर देखिए ऑक्टोपस या कुछ लिखा होगा, इसको आप टच करेंगे। टच करने के बाद हैप्पी स्कोर को टच करेंगे, हैप्पी स्कोर को टच करने के बाद देखिए आपका स्कोर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हमारा 39 है, मतलब 36 से ज़्यादा है, तो एक कंडीशन हमारी पूरी है। और यहाँ पर ये स्कोर आपको मिंट करना होगा, मिंट करने के लिए यहाँ पर जहाँ हमारा रीमिंट लिखा है यहाँ आपका मिंट रहेगा, मिंट पर जाएंगे, यहाँ पर मिंटिंग के लिए जो ट्रांजेक्शन फीस कटेगा वो आपका हॉट में कटेगा, आप जा कर के मिंट कर लीजिएगा। तो एक क्राइटेरिया तो ये पूरी हो जाएगी। दूसरी क्राइटेरिया है आपकी, ये यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए आपके पास, 20 USDC होना चाहिए। तो 20 USDC के लिए आप क्या करेंगे, मेन पेज पर आ जाएंगे बैक हो करके, और यहाँ पर आपको मिलेगा ये वॉलेट एड्रेस, ये आपको वॉलेट एड्रेस मिल रहा है। इस वॉलेट एड्रेस पर कहीं से कम 21 USDT का नियर बाई कर लीजिएगा, नियर बाई करके इस एड्रेस पर आप डिपॉजिट कर लीजिएगा, और डिपॉजिट करने के बाद जब आपका इस वॉलेट में आ जाएगा तो आप नीचे आइएगा स्वैप, इस स्वैप पर आप आकर के टच करिएगा, यहाँ ऊपर देखिए फ्रॉम नियर लिखा है टू, यहाँ पर जा कर के आप कर लीजिएगा USDC, ये देखिए USDC आ गया। अब यहाँ पर आपको इतना डालना है कि जिससे कम से कम 20 USDC आपको मिल जाए, तो हम चलिए यहाँ पर डाल देते हैं आपका 10, अगर डालते हैं, अगर 10 डालते हैं तो नीचे ये पूरा डिटेल आपको दे देगा, अगर हम 10 डालते हैं तो यहाँ पर 78 USDC देखिए दिखाई दे रहा है 78, तो हमें इतना नहीं डालना है, चलिए हम यहाँ पर 5 डाल कर देखते हैं, 5 डाल कर देखते हैं 39 हुआ, 4 डाल कर देखते हैं 30 हुआ, 3 डाल कर देखते हैं तो ये 23 हुआ, और 2.59 डाल कर देखते हैं अब ये हमारा 20 हो गया, मतलब 2.59 नियर अगर हम स्वैप करते हैं तो हमारे पास देखिए 20 USDC जो है नियर पर मिल जाता है। तो ये समझ लीजिए कि आपको कम से कम 2.3 नियर यहाँ पर डिपॉजिट करके जो है स्वैप करना है, और जब आप स्वैप कर लेंगे तब जा करके आपका यहाँ पर आ जाएगा USDC में बैलेंस, और जब USDC में बैलेंस आ जाएगा तो आप यहाँ पर आ करके डी ऐप में टच करके पिच स्टॉक NFT में जा करके एक्सप्लोर करेंगे तो ये भी कंडीशन आपकी पूरी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये कंडीशन पूरी होने के बाद आपको NFT मिल जाएगी ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि 10,000 ही सप्लाई है, तो 10,000 की सप्लाई एक ही मिनट में जो है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब इनका ऑन होगा मिंटिंग तो मिंट करने के लिए यहाँ पर जैसे ही आप आएँगे आपके पास बहुत बढ़िया नेटवर्क कनेक्टिविटी होना चाहिए, आपकी मोबाइल अच्छे प्रोसेसिंग का होना चाहिए कि ताकि एक मिनट के अंदर ही आप इसको मिंट कर लें, और जब मिंट कर लेंगे तब जा कर के आपकी NFT आपको मिलेगी। तो इतना क्राइटेरिया करने के बाद यहाँ पर हैप्पी स्कोर मिंट करने के बाद USDC डिपॉजिट करने के बाद आप यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद जब इनका क्लेमिंग ऑन होगा तो ठीक उसी समय आपको अलर्ट रहना है और आ करके यहाँ मिंट करना है, और जब मिंट कर लेंगे तभी आपको यहाँ पर
मिल पाएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर मिल नहीं पाएगा, क्योंकि 10,000 की सप्लाई में यहाँ पर मिलियंस में लोग हैं, और जब मिलियंस में लोग हैं तो यहाँ पर समझ लीजिए कि 10,000 एक मिनट से भी कम में लूट जाएगा, लोग इसको मिंट कर लेंगे। तो इतना चीज़ पूरा करने के बाद भी कि हैप्पी स्कोर और 20 USDC डिपॉजिट करने के बाद आपको ये मिल जाए, ये पक्का नहीं है, वो आपको क्लेम करना पड़ेगा, मिंट करना पड़ेगा, और आप मिंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये आप पर डिपेंड करता है। मैं तो बिजी रहता हूँ, पता लगता है कि मिंट नहीं हो पाता है, कभी कभी मिंट भी हो जाता है। जैसे सतोशी की माइनिंग ऐप में BW पॉइंट के माइनिंग में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था। तो इस तरीके से ये जानकारी है, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो हार्ड कॉइन भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जा सकता है, क्योंकि अभी तक ये किसी प्लेटफॉर्म पर बिना लॉन्च हुए आप देख लीजिए कि असमीम के टोकन में और कई और फॉर्म में, NFT के फॉर्म में, जैसे असमीम और एक दो NFT और आई, DD NFT आया, इन सब में ये लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक कर चुका है। तो जब ये खुद लॉन्च होगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। तो अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ लीजिए, कम से कम कुछ क्लेमिंग आपको 10-12 क्लेमिंग या 5-6 क्लेमिंग फ्री में मिल जाती है, फ्री में ही करके पॉइंट में हार्ड कॉइन रख लीजिए। और अगर आप नियर डिपॉजिट कर लेते हैं $1-2 का, तो आप यहां पर लगातार क्लेम कर पाएंगे, जिससे कि आपको फ्यूचर में एक अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। इसके अलावा दूसरा प्रोजेक्ट है आपका बेब वॉलेट। बेब वॉलेट भी आपको यहां से एक बहुत बड़ी अर्निंग देकर जा सकता है, तो बेब वॉलेट को आप मिस मत कीजिए, क्योंकि यहां पर ये आपको एक अच्छा खासा अर्निंग दे सकता है। तो बेब वॉलेट में भी ये सुई का प्रोजेक्ट है, यहाँ पर आपको केवल एक क्लेमिंग फ्री में मिलती है, बाकी आपको यहाँ पर एड्रेस पर आ करके, ये जैसे सुई के एड्रेस पर आ करके आपको इसमें $1-2 की सुई रखनी पड़ती है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट ऑनलाइन ब्लॉकचेन पर हैं, जो कि फ्यूचर में आपको एक अच्छी खासी अर्निंग देकर जा सकते हैं। जैसे आपका ये बेब वॉलेट में जो ओशियन मिल रहा है, सुई का प्रोजेक्ट है, सुई प्रोटोकॉल, सुई ब्लॉकचेन पर रन करता है, और दूसरा जो हार्ट कॉइन माइन कर रहे हैं, ये नियर प्रोटोकॉल का प्रोजेक्ट है, नियर ब्लॉकचेन पर रन करता है। तो दोनों प्रोजेक्ट बहुत ही तगड़े हैं, ये हार्ट कॉइन और बेब वॉलेट नॉट कॉइन से भी बड़ी अर्निंग दे सकते हैं, क्योंकि नॉट कॉइन तो एक नया प्रोजेक्ट था, बस उसकी हाइप क्रिएट हुई और आपने देखा कि लोगों को कितनी बड़ी अर्निंग देकर चला गया। और यहाँ पर हार्ट कॉइन, नियर प्रोटोकॉल का प्रोजेक्ट और वेव वॉलेट का ओसन टोकन जो मिल रहा है, ये सुई का प्रोजेक्ट है। तो इन दोनों को हमारी समझ से मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपको फ्यूचर में एक ऐसी अर्निंग देकर जा सकते हैं जो आप कभी सोचे नहीं होंगे। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, उस पर भी एक लेटेस्ट वीडियो हम बनाकर ज़रूर लाएँगे। धन्यवाद।